ओके बेटा, तो हम क्या कर रहे थे कि मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। मोशन में पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस क्या होती है, हम डिस्टेंस मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे था, कुछ समय बाद कुछ टाइम पीरियड टी टाइम के बाद बी प्लेस पे पहुंच जाता है। तो बी प्लेस पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो मोशन में है। मोशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका कितनी डिस्टेंस कवर किया। तो कैसे बताएंगे, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी जो इसकी यानी जो जिस पाथ से ये ट्रेवल कर रहा है उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी उसी को कहते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ को भी डिस्टेंस कहते हैं, या फिर टोटल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस और बाय एनी ऑब्जेक्ट कवर बाय द टोटल पाथ लेंथ, बाय एनी ऑब्जेक्ट कवर टोटल पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। या फिर डिस्टेंस की आप अदर फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हैं, यहाँ से आप एचएल गेट जाते हैं, उसके बाद मुंशीगंज जाते हैं, मुंशीगंज तक जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपसे बात किया जाए कि डिस्टेंस कितनी है तो आप डिस्टेंस कितनी कवर किए, तो जितनी डिस्टेंस आप जिस रास्ते से गए होंगे, जिस रास्ता मतलब पाथ, तो वो पाथ क्या होगा, वो रास्ता क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ आपका टोटल पाथ लेंथ जितनी होगी वही आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है, आप इसको मीटर में मेजर कर सकते हैं, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। चलिए कैसे, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे है कि मान लीजिए सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ए है, यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं, ए से आप क्या करते हैं बी पॉइंट पे जाते हैं, बी पॉइंट पे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर बी से आप क्या करते हैं सी की ओर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा बी से आप सी की ओर जाते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ से भी आप आगे भी जाते हैं और भी 5 किलोमीटर और भी आगे जाते हैं 5 किलोमीटर सी पॉइंट पे, बी सी और ये पॉइंट है डी, तो डी पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी बेटा, इस 10 को हम ऐड करेंगे, उसके बाद इस 5 को ऐड करेंगे और इस 5 को, यानी टोटल पाथ लेंथ कितनी आएगी 10 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है कितना हो गया 15, तो सॉरी 20 हो जाएगा, टोटल कितना 20 किलोमीटर, यानी आपने कितनी डिस्टेंस कवर की 20 किलोमीटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा, सो थैंक यू फॉर